सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को कीजिए प्रेस। दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यह बजाज डिस्कवर 100, इसके आज हम लोग क्लच प्लेट चेंज करने वाले। तो दोस्तों क्लच प्लेट चेंज करने के लिए आपको इतना सब कुछ ओपन करना पड़ेगा, मैं आपको फिटिंग के टाइम बताऊँगा क्या क्या कैसे फिट करना है। फिलहाल तो अभी मैं इसमें क्लच प्लेट न्यू डलवाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले इसे मैं अच्छे से वॉश कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों क्लच प्लेट लगाते टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लच प्लेट इसमें कैसे लगाते हैं। तो पहले फटाफट से ये सब कुछ जो है वो वॉश करके ले लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो देख सकते हैं अभी मैं इसके क्लच प्लेट जो है वो चढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ख्याल रखना है, यहाँ पे अंदर में ये दोस्तों वॉशर होता है, इसे चेक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों एक वॉशर और इसके ऊपर ये जो गुंडी है दोस्तों ये होती है। तो फटाफट से मैं इसके ऊपर चढ़ा लेता हूँ और फिर आगे का बताता हूँ। देख सकते हैं मेरे क्लच प्लेट जो है वो असेंबल करके हो चुके हैं, यहाँ की पैकिंग भी मैंने रिमूव कर दिया है। और दोस्तों ये जो नट है ये हमारा रेगुलर ऐसे नहीं घूम के निकलेगा, ऐसे ये टाइट होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको निकालने के लिए इसे उल्टा घुमाना पड़ेगा, डिस्कवर का दोस्तों उल्टा होता है बजाज का। और इसके अंदर में दोस्तों दो वॉशर होते हैं, एक थोड़ा मोटा होता है एक थोड़ा पतला होता है, मोटा पहले पतला बाद में। इस तरह से डाल के दोस्तों मैंने जो है इसे फिट कर दिया है। अब बारी है हमारे स्प्रिंग्स की, फटाफट से स्प्रिंग और इसके ऊपर की पत्ती लगा लेता हूँ और फिर आपको आगे की प्रोसेसिंग देख सकते हैं। क्लच जो है वो पूरा फिट करके हो चुका है, ये सिर्फ ऑयल पंप की गरारी है, इसे सिर्फ धक्का देना है यहाँ पे देख के इसके पेचेस। और दोस्तों ये अपनी जगह पे सेट हो गया, इसके ऊपर ये पिनियन लगा दिया। पिनियन को दोस्तों एक डॉट होता है वो, सॉरी दोस्तों मैंने उसे जल्दी से मैं लगा दिया, वो डॉट को दोस्तों अंदर की तरफ रखना है। और बाकी जो दो वॉशर है वो बाहर, उसके ऊपर ये नट फिक्स हो गया दोस्तों, इतना काम हमारा कंप्लीट। इसके बाद इसे टाइट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक वॉशर है क्या नहीं ये चेक कर लेना है। और फाइनल में दोस्तों एक चीज़ हमारी आखिर में रह जाती है, आपको बताता हूँ। ये जो दोस्तों पिन आपको दिखाई दे रही है ये दोस्तों एक खाँचा जो इसका ऐसे अंदर में जाएगा, ये देखिए इस तरह से इसे प्रेस करती है। तो दोस्तों इसे आपको ध्यान में रखना है और हमारे डॉगल पिंस। और उसके बाद दोस्तों ये जो पैकिंग है वो फाड़ के यहाँ पे चेंज करके लगा दूंगा। तो दोस्तों क्लच प्लेट चेंज करने की प्रोसेस हो गई हमारी कंप्लीट। तो दोस्तों बाकी का जो मुझे वर्क है ये देख सकते हैं, हाफ इंजन इसका चालू है, फटाफट से रेडी कर लेना है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।